बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है। दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी और दीदी आपने ये भी कहा है इस रसगुल्ले में यहां के पत्थर भी होंगे। स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। मोदी आज की सियासत का ये वो नाम है जो लोगों की जुबान पर चढ़कर बोल रहा है, जो सियासत की धुरी बन चुका है, जिसके डर से विरोधी सालों की दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। लेकिन ये मोदी हैं, उन्हें पता है कब, किस वक्त, कैसे और किस तरह विरोधियों को जवाब देना है। इस चुनाव में भी मोदी कुछ इसी अंदाज में विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं और पलटवार भी कुछ इस अंदाज में कि खुद विरोधी भी हैरान हो जा रहे हैं, क्योंकि विरोधी पार्टियों की ओर से जितने भी वार हो रहे हैं पीएम मोदी उसी वार को हथियार बनाकर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, मोदी ने चौकीदार की मुहिम छेड़ दी। कांग्रेस राफेल डील के मुद्दे पर चौकीदार चोर कहकर लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रही है। करीब एक साल से कांग्रेस की ओर से जारी सियासी हमले पर मोदी ने भी जोरदार पलटवार किया और पूरे देश में मैं भी चौकीदार की मुहिम छेड़ दी। यहां तक कि रैलियों और जनसभाओं में भी मैं भी चौकीदार के नारे लगवाने लगे। पीएम मोदी ने ट्विटर पर खुद के नाम के आगे चौकीदार जोड़ा तो मोदी सरकार में मंत्री और तमाम बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, आम जनता भी खुद को चौकीदार कहने लगी। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, 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 जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। ये है कांग्रेस पार्टी का कमाल। भाइयों बहनों, देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, उसके लिए सरकार मजबूत चाहिए, तो चौकीदार भी मजबूत होना चाहिए। तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे, आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मैं बोलता हूं, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। ममता बोली कंकड़ पत्थर के रसगुल्ले खिलाऊंगी। मोदी ने कहा कंकड़ पत्थर के रसगुल्ले भी पसंद है। पीएम मोदी ने जब बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को गैर राजनीतिक इंटरव्यू दिया तो इसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें लोगों के साथ साझा की। इसी दौरान पीएम मोदी ने सियासी विरोधी ममता बनर्जी पर भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी आज भी उन्हें कुर्ता और मिठाइयां भेजती हैं। मोदी के इस खुलासे पर ममता बनर्जी भड़क गई और एक रैली में कह दिया कि मोदी को मिट्टी से रसगुल्ला बनाकर उसमें कंकड़ पत्थर डाल दूंगी
जिससे मोदी के दांत टूट जाए। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा, that is something very big to know about. Sir, अच्छा, वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से? हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चाहिए, हमारा बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें काकुर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें काकुर लगेगा और थोड़ा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई देगा। ममता के इस वार का मोदी ने भी जबरदस्त जवाब दिया। मोदी ने दीदी के मिट्टी वाले रसगुल्ले को बंगाल के महापुरुषों से जोड़ दिया। अनगिनत महापुरुष, अनगिनत क्रांतिकारी जिनकी चरण रज इस बंगाल की मिट्टी पर पड़ी है, जिन महापुरुषों के पैरों की धूल, इन महापुरुषों के पैरों की धूल बंगाल की माटी, भाइयों बहनों वो माटी, उसका रसगुल्ला मोदी को मिलेगा, ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा, प्रसाद। दीदी मेरा भाग्य खुल जाएगा क्योंकि मेरे लिए मिट्टी पवित्र है, मेरे लिए मिट्टी प्रेरणा है, मेरे लिए मिट्टी ऊर्जा है। दीदी मैं इंतजार करूंगा, दीदी मैं इंतजार करूंगा बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले की। आपने ये भी कहा है इस रसगुल्ले में यहां के पत्थर भी होंगे, मैं इसके लिए भी आभारी हूं क्योंकि आप जितने रसगुल्ले बना के भेजोगी उसमें जो 50-100 पत्थर आएंगे तो जो पत्थर तुम्हारे गुंडे यहां के निर्दोष नागरिकों के सर फोड़ने के लिए काम लेते हैं वो पत्थर भी तुम मुझे भेजोगी तो इस बंगाल के 50-100 नागरिकों के माथे भी बच जाएंगे, जरूर पत्थर भेज दो मुझे। जय श्री राम के नारे से चिढ़ गई ममता बनर्जी, मोदी ने रैलियों में लगवाए जय श्री राम के नारे। चुनाव प्रचार में जुटी ममता बनर्जी अभी हाल ही में बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में जनसभाएं करने गई थी। काफिले के साथ निकली ममता बनर्जी के सामने कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे जिससे सीएम ममता बनर्जी चिढ़ गए और गाड़ी से उतरकर नारे लगा रहे लोगों को धमकी देने लगी। उनके जाने के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रविवार को छोड़ा। अब पीएम मोदी ने ममता को इसी बहाने घेर लिया और अपनी रैलियों में जय श्री राम के नारे लगवाए। तंज भरे अंदाज में मोदी ने कहा कि मैंने सोचा मैं भी जय श्री राम बोल दूं तो ममता मुझे भी जेल में डाल दें, जेल में जाकर मैं निर्दोष लोगों की सेवा करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। जय श्री राम। चार ग्राम की धरती से पश्चिम बंगाल के सभी जनों को
जय श्री राम। और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं, तो मुझे भी जेल में डाल दे, तो यहां के निर्दोष लोग जो जेल में पड़े हैं मैं उनकी सेवा करूंगा। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? पीएम मोदी जिस अंदाज में विरोधियों पर पलटवार कर विरोधियों को ही मुश्किल में डाल देते हैं, उनकी यही खूबी उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। विरोधियों पर सटीक पलटवार और जनता से संवाद ही पीएम मोदी को सियासत का महारथी बनाता है। अभी हाल ही में मायावती ने जब मोदी की जाति बताई तो उस पर भी मोदी ने जबरदस्त अंदाज में पलटवार करते हुए कह दिया कि मैं अति पिछड़ा हूँ और देश को अगड़ा बनाना चाहता हूँ। आज सत्ता में 5 साल रहने के बावजूद जिस तरह से पीएम मोदी की लहर बरकरार है, वो इशारा कर रही है 2019 में मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटने वाली है। ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है? उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं? ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं? साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रैबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोलने वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की
रोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है, चुनाव में टिकट देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मन से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है।